मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बनाएंगे 5 मिनट्स केक। ये केक मैंने 5 मिनट में बनाया है। तो आपके घर कोई पार्टी हो या आपको बहुत जल्दी जल्दी कोई केक बनाना हो तो इस केक की वीडियो आप जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबाएं। सबसे पहले मैं ब्रेड लूंगी। ब्रेड तो सबके घर में पड़ी होती है। हम ब्रेड के जो साइड्स हैं उसे नाइफ की हेल्प से हम काट देंगे। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। मैं यहाँ पे वाइट ब्रेड ले रही हूँ, आप इसकी जगह ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। ये देखिए मैंने 5 पीस ब्रेड लिए हैं और उसके किनारे जो हैं काट दिए हैं। अब हम फ्रॉस्टिंग के लिए क्रीम ले लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप चिल्ड क्रीम ली है। हम इससे व्हिप्ड क्रीम बनाएंगे केक की सजावट के लिए। इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से हम इसे बीट करेंगे हाई स्पीड पे। ये देखिए स्पैचुला की हेल्प से हम चेक करेंगे क्रीम जो है नीचे नहीं गिर रही, मतलब कि व्हिप्ड क्रीम जो है हमारी तैयार है। अब मैं थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम एक बॉल में निकाल लूंगी, उसमें मैं कलर डालूंगी। मैं यहाँ पे पिंक कलर यूज कर रही हूँ, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो चॉकलेट क्रीम भी बना सकते हैं कोकोआ पाउडर और चॉकलेट डालकर। ये देखिए मैंने इस पे पिंक कलर डाल दिया। अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी और इस क्रीम को हम पाइपिंग बैग में डाल देंगे। अब हम केक स्टैंड लेंगे, नीचे थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम लगाएंगे, ऐसे थोड़ा सा फैला देंगे। उस पे मैं 1 पीस ऑफ ब्रेड रखूंगी ऐसे। अब हम इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे स्पैचुला की हेल्प से। अच्छे से चारों तरफ से हम क्रीम लगा देंगे। क्रीम से कवर करने के बाद अब मैं इसके ऊपर दूसरा पीस ऑफ ब्रेड रख दूंगी। उसी तरह से इस पे भी हम क्रीम लगा देंगे। ऐसे करते करते हम 5 पीसेस लगा देंगे, पहले ब्रेड फिर क्रीम। आप कोई भी शेप का केक जो है काट सकते हैं, जैसे कि राउंड शेप काटेंगे तो राउंड शेप का केक बन जाएगा, हार्ट शेप का केक भी बन सकता है। और आप फ्रॉस्टिंग में भी कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं, जैसे कि मैंगो फ्लेवर, पाइनएप्पल फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर भी दे सकते हैं फ्रॉस्टिंग में। सारे पीसेस हम ब्रेड के लगा चुके हैं तो अब हम साइड से भी इसे कवर कर लेंगे फ्रॉस्टिंग से। ये देखिए साइड से भी, ये देखिए मैंने इसे चारों तरफ से कवर कर दिया और मैंने इसे साइड से साफ भी कर दिया। अब मैं इसके ऊपर पाइपिंग बैग में जो क्रीम थी उससे डिजाइन बनाऊंगी। आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। ये देखिए ऐसे। डिजाइन अपनी मनपसंद का कुछ भी बना सकते हैं। पाइपिंग बैग में डालने के बाद डिजाइन बनाना आसान हो जाता है। ये देखिए मैं अब लाइंस लगा रही हूँ, आप कुछ भी बना सकते हैं। उसी तरह से मैं नीचे भी ऐसे फ्लावर्स बना दूंगी, बिल्कुल कैफे स्टाइल बनाने के लिए। ये देखिए कोई कह भी नहीं सकता कि ये ब्रेड केक है। अब मैं इसके ऊपर शुगर कैंडीज लगा दूंगी। शुगर कैंडीज मार्केट में बहुत तरह की आती हैं तो आप कोई भी लगा सकते हैं। कुछ मार्शमेलोस, ये देखिए मैंने इसे ऐसे ऊपर रख दिया है। कुछ पिंक शुगर कैंडीज, आप किसी भी तरह की शुगर कैंडीज लगा सकते हैं। साथ ही मैं वेफर लगा दूंगी मैं। तो केक हमारा तैयार है, लग रहा है ना बिल्कुल बाजार जैसा। देखिए नज़दीक से देखिए कितना ही सुंदर केक बनके तैयार हुआ है और इसे बनाने में हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। ये देखिए
अब हम इसे काटते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, हमने ब्रेड का कितना ही अच्छा यूज किया। ऐसे बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहेंगी, इसलिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।